स्वागत है आपका सातवें दिन में। मैंने दो टास्क लिए हुए थे पिछले एपिसोड में, मेरे को रैबिट पकड़ के देना है और वाइल्ड मीट पकड़ के देना है। हम लोगों ने एक पिग हाउस बनाया है जिसको बान बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग सुअर रख सकते हैं। इस तरह का बना हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसे दरवाजा लगता है, इसमें पानी और खाना हम लोगों ने दिया हुआ है। बस हम लोगों को सुअर खरीद के लाना है और यहाँ पर सुअर रख देंगे। पैसे की थोड़ी सी कमी है, वाइल्ड मीट बेच के आएंगे। मेरे को एक टास्क मिला हुआ है, वो वाइल्ड मीट बेचने से कुछ पैसे मिल जाएंगे तो सुअर खरीद पाएंगे हम लोग। तो दो मीट यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं, रैबिट का मीट है, ठीक है। बाकी का जो मीट है वो ढूंढते हैं, चलो रोड पे। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे पास गोली है या नहीं, क्योंकि बंदूक में गोली इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे पास जो गोली है वो कम है, तीन तीन रेंडियर मारेंगे तो अपना काम। देखो दो गोली में एक मर जाता है, हेडशॉट लेने से एक गोली में मर जाता है। अब इसमें हम लोगों को कितना मिलेगा वो देखते हैं। गाइस एक मारा है हमने। इसी तरह से रोड के किनारे जो है 12 सिंघा मिल जाता है, 12 सिंघा। इसमें हम लोगों को 3 पीस मिला है तो इसको उठा के रख देते हैं। टेलीगेट हम खोल देते हैं गाइस। ये हमने रख दिया। देखो सुबह भी हो चुकी है, सुबह सुबह काम स्टार्ट कर दिए। टोटल हमारे पास कितना पीस हो गया, 4 और 1 5। तो मेरे को लगता है कि एक और मारेंगे तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि 3 मिलता है एक में, हम लोग टपा देंगे। देखो जानवर देखो, अरे ये देखो, ये भी इसमें से वाइल्ड मीट मिलता है गाइस, ठीक है। इससे शायद 2 मिलेगा, जी हाँ 2 मिला इससे। ये जो था वो भेड़िया था, और जस्ट सामने में हम लोग को एक रेंडियर दिख रहा है। तो भाग गया भाई, अंधेरा पूरा हो चुका है। देखो इसको रख लेते हैं फिर से। तो टोटल कितना हो गया, 3 3 6 7 हो गया। एक ही चाहिए बस हम लोगों को, एक ही। अरे भाई उड़ना नहीं है भाई। ये मैं इसके घर आ गया गाइस। ये हंटर है, हंटर का एक टास्क लिया था मैंने, 8 वाइल्ड मीट देने थे, मैं 8 से ज़्यादा वाइल्ड मीट लेके आया हूँ। हाउडी फ्रेंड। अरे लाया हूँ भाई वाइल्ड मीट, माँ कसम। और पीछे रखना है क्या, वाइल्ड मीट तो लेके आया हूँ मैं, तो लेता क्यों नहीं है। गुड बाय कर रहा है भाई, ला के यहाँ रखूँ क्या मीट, अंदर रखना होगा क्या, मे भी हो सकता है अंदर रखना होगा, यहाँ रखना हो। मैं कोशिश करता हूँ, रुक जाओ, इसके पास इसके कदमों में इसके चरणों में रख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद बोलूँगा कि आई हैव बॉट वाइल्ड मीट। ओके गाइस आ जाओ दोस्तों, अब इससे बात करके देखते हैं। हाँ आई हैव बॉट द मीट। अरे भाई इतनी मेहनत की 200 में बिका, इससे ज़्यादा तो मेरा $30 में तो वहाँ बिक जाता ब्रो, $180 तो ऐसे मिल जाता। ये तो घाटे का सौदा हो गया भाई। रैबिट वाला टास्क बाद में करेंगे, अभी मेरे को थोड़ा सा घाटा हो गया, बहुत मेहनत की मैंने और सिर्फ मेरे को मिला $200। सो गया मैं, आई स्लेप्ट। ओके 8वां दिन में मैं उठाऊँ, सबसे पहले भाई तेल लाइट ऑफ करो। लाइट ऑफ करने के बाद चलो मुर्गी का देखते हैं कितना अंडा मिला है टोटल। यहाँ देखते हैं अंदर, मुर्गी जाग गई, एक भी बच्चे हुए क्या, लग तो नहीं रहा है कि बच्चे हुए हैं। मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अंडे बेचे नहीं थे इतनी देर से, इसलिए नहीं बेचे थे मैंने अंडे। 9 में बिकते हैं अंडे, 9 में बिकते हैं मुझे लगता है। गंदा साफ कर रहा हूँ मैं, अंडे तो काफ़ी सारे हो गए गाइस। एक खाना पड़ा हुआ है इसको, इसको डाल देते हैं मैं। ये मुर्गियाँ बहुत खाना खा रही हैं, अंडे उतने दे नहीं रही। चलो मैंने खाना डाल दिया, बच्चे क्यों नहीं हो रहे भाई, पता नहीं कि थोड़ा मेरे पास 200-300 पाउंड, 200-300 वो आ जाएगा डॉलर आ जाएगा। $100 मेरे पास पहले से है, $30-30 का मेरे को खाना पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है। पानी तो खैर घर का ही है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत बहुत है। अभी देखते हैं क्या रेट मिल रहा है, अगर अंडे का 1.5 टाइम्स मिल रहा होगा ना तो मज़ा आ जाएगा।
तो फिर मेरे को ना बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वाइल्ड मीट और बीफ सॉसेज चीज़ वाइल्ड में प्राइस 1.6 टाइम्स मिल रहा है, मतलब वाइल्ड मीट में 1.6 टाइम्स मिल रहा है। अरे यार, वाइल्ड मीट का एक का $24 मिल रहा है, उसको दिए मैंने 8, तो 25 चौक 100, $200 नहीं मिलते मेरे को, $180 ही मिलते। अंडे जो है वो $6 के मिल रहे हैं यार, $9 के नहीं है, तो $138, 17 आइटम सेल किए तो $138 हुआ है मेरे पास, $450 हुआ है, $437। एक सुअर से कुछ नहीं होगा, वी विल नीड टू सुअर्स, दो सुअर चाहिए मेरे को। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, बैंक चला जाऊँ क्या, बैंक में लोन ले लूँ क्या मैं, पंचायत में। अरे ये क्या आवाज़ आया? अच्छा इसको मार नहीं सकते क्या? तीन पीस बना दिए, इसका पीस लूट लेंगे यार, इसको मार नहीं सकते क्या? गोली खत्म हो गई ना, इसको इससे मारते हैं ठीक है, गाड़ी से। इसका तीन पीस अभी भेज देंगे, ये मेरे को फायदा हो जाएगा। एक एक पीस खा के भाग गया ना? नहीं, ये भाग गया। $72 मिला, टोटल हो गए 500, $100 और चाहिए दो के लिए। बुलेट है तो देखो 40 की 24 मिलती है। अभी अगर मैं सुअर ले लूँगा तो सिर्फ खा खा के मोटी होगी, कोई काम का नहीं है। एक मेल एक फीमेल एक साथ लूँगा तभी सही होगा। मार दिए, एक मार दिए, एक और मारना है। क्या निशाना है भाई, पबजी प्लेयर। ओह यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है ब्रो, यहाँ पर तो हम भी जाएंगे, यहाँ तो भाई गेम कर रहा है। तो पेड़ पे गोली चला रहे हैं हम, पाकिस्तान कहाँ गया, इधर है कहाँ? ये इसको मारेगा, हम उसको मारेंगे, हम गोली बचा रहे हैं। अधर उसको, धर 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 धर, काटना बे, कैसा है भाई, एकदम हमारा बिल्ली टाइप है ये, मारो उसको। मार दिया का, हाँ दो पीस इसका, तीन पीस इसका, पैसा बता लिए। गाड़ी कहाँ अपनी? अभी तुरंत 5 पीस का मतलब समझ रहे हो, $100 का इंतजाम हो गया। ऐसे करके मैं $300 और करूँगा, मेरे पास $300 पड़े हुए हैं अभी। अरे हमारी गाड़ी पट पलट गई भाई, अब इसको निकालूं कैसे मैं, इसको कैसे निकालूं मैं? अभी भाई कैसे होगा ये, तो फंस गई हमारी गाड़ी, अब तो यहीं रहेगी। अरे यार हमारी गाड़ी का तो बैंड बज गया भाई, तो पैदल दौड़ना पड़ेगा हमको। वाइल्ड मीट अभी भी 1.6 टाइम्स मिल रहा है भाई, अभी बढ़िया मौका है बेचने का भाई, क्या जिंदगी होगी। $24 कमाया मैंने रात के अंधेरे में, एक और $24। देखो रात के 10 बज चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं, पैदल जाके सोना पड़ेगा मेरे को लगता है। एक और पीस जो बचा हुआ है ना, इसको पहले बेच देता हूँ मैं। तो ये जितने भी खुले मीट थे ना जो दूसरे जानवर खा सकते थे, उसको मैंने बेच दिया, तो ये $100 इससे मिल गया मेरे को, $24 या $72 इसमें मिला। और बाकी वहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं कम से कम 200-250 के मीट रखे हुए हैं, तो उसको मैं बेच ही दूंगा आज जाके, क्योंकि आज का जो मेरा 1.6 वाला प्राइस है ना, ये बढ़िया आएगा इस। मैं कोशिश करता हूँ गाड़ी निकालने की, रुक जाओ, अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी निकालने, मैं कोशिश ट्राई करता हूँ, देखता हूँ रोड जाम हो रहा है कि क्या हो रहा है। अब ये गाड़ी के बिना मैं सुअर भी नहीं ला सकता, माँ कसम बता रहा हूँ। इधर से करता हूँ मैं, यही हो रहा है भाई,
पहले पैदल जाके रेंज में सो जाता हूँ, 200 मीटर ही रेंज है। फ्यूल भी ख़त्म हो गया भाई, ज़िंदगी ख़राब है। अच्छा फ्यूल एम्प्टी है इसीलिए नहीं चल रहा है क्या? मेरे को लगता है कि फ्यूल एम्प्टी है इसलिए नहीं चल रहा है। कितना फ्यूल है देखो, निकल गया। माँ कसम ज़िंदगी ख़राब हो गई मेरी, निकल गया भाई। जा रहा हूँ बेचने, तेल ज़्यादा है नहीं, तुरंत बेच के तुरंत निकल जाऊँगा मैं। मैंने बहुत गाड़ी दौड़ाई आज। तेल बंद हो गया, हे भगवान, हमारी गाड़ी बीच रोड में बंद हो गई। बीच बर्गर भी नहीं जा पाया मैं, घर के यहाँ से तेल लाना पड़ेगा पहले मेरे को, उसके बाद फिर हम तेल ला के इसमें तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद भी चलाएंगे। आप लोग जो हैं, जो भी देख रहे हैं हमारी स्ट्रीम में, ज़रा लाइक बटन पे दबा दीजिएगा। बेटा तुम्हारा तो यही हम तो च... अरे ये तो यही घूम रहा है। गोली ही भरता रह जा, तो इसको तो मार देंगे भाई। कितना तेज दौड़ेगा, ओ भाई तेल मिल गया, तेल मिल गया गाइस, गाड़ी अपनी आ जाएगी वापस। रात के अंधेरे में 11 बज चुके हैं रात हमारे, 12 बजे से पहले मेरे को बेचना पड़ेगा जाके, जो भी जितने भी मैंने मारे हैं इतने बेचना पड़ेगा। तेल लेके मैं चला अपनी गाड़ी वापस लाने के लिए। साला गजब लग रहा है वो देखने में, नहीं रात के 11 बजे कोई तेल का कैन लेके दौड़ रहा है। अमेजिंग भाई। अब इसमें देखते हैं कि अभी तक 1.6 मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, काम हो गया ब्रो, वेरी नाइस। $168 मिला है भाई, $700 हो चुका है, $600 में अपना सुअर आ रहा है। काम हो गया गाइस, ऐश करो अब, ठीक है। अब जा रहा हूँ मैं सुबह सुअर लूँगा, कल सुबह हम लोग का सुअर आएगा। चलो मैं आ चुका हूँ, ये सुबह हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ गाइस। मैं सो गया, डे 8 ख़त्म हो गया, इवेंटफुल डे था, हम लोगों ने बहुत सारे जानवर मारे। अब ये हम लोग डे 9 में आ चुके हैं, पैसा अपने पास पॉकेट में है। ये अंडे वाला जो, अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला जो सामान है इसको यहाँ रख देते हैं। थोड़ा सा क्लाउडी माहौल है, 7 बज रहे हैं सुबह, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बाहर में अंडा, चलो इसमें अंडा रख दिया मैंने, एक एक है केस में, एक है। और कितने अंडे हुए हैं यहाँ पर, टोटल 3 और 2 5, 4 मुर्गी दे के 6 ही अंडा दिया है लोग। कैसा मुर्गी है भाई, कमज़ोर मुर्गी है क्या? देखो तो फर्टिलाइजर खिलाना पड़ेगा, सब जल्दी जल्दी अंडा देगा। आ जाओ भाई, आ जाओ, सुअर खरीदते हैं सबसे पहले। फाइनली बहुत मेहनत के बाद, बहुत मशक्क़त के बाद, एक मेल सुअर, एक फीमेल सुअर, ठीक है, एक पिग फीमेल, एक पिग मेल, 600 हो गया मेरे पास, 853 मेरे पास बचे हुए हैं गाइस, ठीक है। एक और बुलेट मैंने ले लिया, 2 बोरी आटा ले लिया, ठीक है, और सॉरी कितने हो गए, 700 हो गए क्या, आटा 2 बोरी, और एक कूलर ले लिया मैंने, 796 853। बस इसको कार्ट में जाते हैं, चेकआउट करते हैं, ठीक है। ये हमने सुअर जो खरीदा है, अबे ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा, प्रेसी टू ट्रांसपोर्ट एनिमल, चढ़ जाना भाई, इसमें तो सुअर आता है एक। कहाँ भाग रहा भाई, चढ़ जा भाई, क्या कर रहा है, क्या दिक्कत है, सुअर इसमें चढ़ क्यों नहीं रहा, इसमें तो 2 सुअर चढ़ते हैं। ये मैंने छोड़ दिया, इसको लाता हूँ मैं पहले, रुक जाओ। ए तू इधर आ रे, कहाँ घूम रही, इधर इधर आ, आ जा।
आया था, पकड़ लिया हमने, घूमने निकल गया सुअर भाई। आजा आजा, ई प्रेस करो, नहीं हो रहा ब्रो ई प्रेस करने से। आ जा, दोनों सुअर को एक साथ ले जा सकते हैं क्या? देखें, नहीं एक ही सुअर को एक साथ। चला जा, अंदर घुस अंदर घुस। अरे जिंदा, आ जा अरे भाई, इसे ट्रांसपोर्ट एलिमेंट नहीं हो रहा भाई, इसमें शायद सुअर नहीं चढ़ेगा क्या? चढ़ना चाहिए ब्रो, इसमें मैंने सुअर लाया है पहले, दो सुअर इसमें आ सकता है। अच्छा इसको मैं ऊपर ले आऊं क्या? रेंच ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन हमारा दूसरा सुअर भाग गया तो कहाँ ढूंढेंगे उसको? भाग नहीं, घूम रहा है इधर जाके। अरे साला, अच्छा दौड़ रहा है सुअर, लेकिन दूसरा वाला भाग जाए, कुछ नहीं कर सकते हम, क्या करूं मैं, गाड़ी में तो आ ही नहीं रहा। एक सौ सत्रह मीटर है, पहुंच गया मैं, नहीं भागेगा, ढूंढ लूंगा मैं। जय बजरंग बली, दौड़ो जल्दी, दूसरा सुअर ना भाग जाए। देखो तो कैसे सुअर दिख रहा है, अबे यहीं घूम रहा है, कहीं नहीं गया है, स्लो सुअर साला। ये देखो आराम से ले गया मैं, इधर ही घूम रहा है सुअर। क्या बे, आ जा बेटा, आजा तेरे को भी ले चलता हूँ मैं, दो सुअर खरीदे हमने, एक एक करके खरीदना चाहिए था मेरे को। हाँ तेल का डब्बा हटाने से बैठ गया भाई, व्हाट द हेल, तेल का डब्बा जगह घेर रहा था। चलो दोस्तों अपना काम हो गया है, सुअर हमने लाद लिया, सामान हमने ले लिया, अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे, अपने रेंच पे। तो फर्स्ट टाइम वी बॉट टू सुअर, एक मेल एक फीमेल। इधर आ भाई, कहाँ भाग रहा है? है फार्म में क्या, पार्क के लिए थोड़ा है। ठीक है अब अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ, आना बे। अब देख भाई सुन, मेरी बात सुन, जाना पूरा गेम बजाना, ठीक है? मैं इधर से आता हूँ, रुक जाओ। ठीक है कहाँ गया? हाँ बात सुन मेरी, इस कोना में नहीं रहना है, आना इधर है। ओके दूसरा वाला सुअर कहाँ है? इधर है। कहाँ घूम रहा है तू? इधर घूम रहा है क्या? हाँ ठीक है, अब घोए घोए करना पूरा एकदम, मामला गर्म कर देना, ठीक है? बहुत सारा, मैं कल आऊँ तो 20 बच्चे होने चाहिए, ठीक है? दोनों को मैं अकेला छोड़ दे रहा हूँ, प्राइवेसी दे दे रहा हूँ, लाइट वाइट कुछ नहीं, अंधेरा है, स्टार्ट हो जाओ। ओके गाइस, चलो बहुत बढ़िया, पूरा अमीर बनना, सुबह बहुत सारे सुअर बेचूंगा, बहुत सारा अमीर बनूंगा मैं, ठीक है गाइस? समझ रहे बात को? चलो ठीक है, इनको बढ़ने दो।
इनको करने दो मौज, हम चलते हैं गए आके, तो अपना काम हो गया। बारिश में पूरा भींग गया, बिजली पूरी से तड़प तड़प बड़ा, जिंदगी खराब। मैं सो गया भाई, ड्रैको स्लीपिंग, दिन दहाड़े सो गया। थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ गाइस, ये देखो बहुत मेहनत की है मैंने आज। तो अपना काम जो मेन हो गया है, अब हम लोगों को वेट करना है, मुर्गियाँ जो है वो अंडे दे दे और सुअर जो है बहुत सारे बच्चे पैदा करे। दो सुअर से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 8 से 16, ऐसे ही होगा। मजा आया क्या रेंच देखने में, ये बताओ? मजा आया तो जरा सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना।